पंजाब के मोगा शहर के उस समय माहौल तनावपूर्ण बन गया जदों कबाड़ी बाजार के वीरवार शाम को लुधियाना तो पुलिस की टीम गई सी किसी मोटरसाइकिल चोरी की तफ्तीश करन, पर उत्थे एक कबाड़ी वाले एसोसीएशन के प्रधान के नाल पुलिस की बहस पसाई हो गई और लुधियाना पुलिस के सब इंस्पैक्टर के वलों उस व्यक्ति के थप्पड़ जड़ दिता जाता है। पर बाद दे विच पता लगता है कि सब इंस्पैक्टर के वलों जिहड़े व्यक्ति के थप्पड़ जड़िया जाता है वह असल दे विच मोगा शहर का डिप्टी मेयर है, जिस तों बाद माहौल उत्थे तनावपूर्ण बन जाता है। दुकानदार पुलिस नूं घेर लैंदे हन अते बहुत देर माहौल जिहड़ा उसे तरह ही तनावपूर्ण बनिया रहिंदा है। पुलिस ने माहौल नूं विगड़दिया देख के होर पुलिस फोर्स भी उत्थे बुला ली। तस्वीरां भी सीसीटीवी दे विच कैद हो गई कि जदों सब इंस्पैक्टर दे वल्लों डिप्टी मेयर दे थप्पड़ जड़िया गया। तुसीं भी देखो तस्वीरां। इस मामले से मोगा के डिप्टी मेयर का कबाड़ी बाजार के प्रधान अशोक तमीजा का की कहना सी वह भी तुसी सुन लो। डिप्टी मेयर मोगा की गल हुई सी गल ये हुई है इन्होंने को ना ये आए मुलाजम इतने दुकान से कॉर्नर से उन्होंने मैंने फोन किया कहते मैं कबाड़ी एसोसीएशन का प्रधान भी हाँ उन्होंने मैंने फोन किया कहते एक मिनट दुकान से आइयो मैं दुकान से आया ये भाई साहब अंदर दुकान के परले पासे सीगे एक ना सिविल वर्दी च बंदा सीगा सिविल वर्दी मैं अंदर से एक सिविल वर्दी च बंदा सीगा मेरे ख्याल नशा किया फुल इस टाइम भी उन्हें बंदे ने ऐ खड़ा मिलना है मैं क्या भाई साहब की गल कि आई कहते एस एच ओ साहब आए मैं क्या मैंने गलत दसो की हुई है तो एस एच ओ साहब आए उधरों इन्होंने आके ना मैंने कहते तू की गल कि मैं क्या दसो की गलबात दसो मैं गलबात की दस मैं लफन बारा टका के उधर छिटता कुलदीप सिंह मैं पूछा तुझे आए कितों हाँ कहता मैं कहना दसना नहीं तेन किसे आओ मेरी गड्डी खड़ी है उतु जाकर देख ला कौन उस तो बाद मैंने कहते तू दुकान तो बहर हो जा कहता मैं क्या तू मैनू पका बहर कटी जाना यार मैं मैनू कुलदीप सिंह ने सब इंस्पैक्टर है कहता भी मैं इंचार्ज हाँ उत्थे मेरी सिद्धी हैगी मेरी मैंने कोई रोक नहीं सकता जो मैं मर्जी कर सदा कहता तू बाहर निकल के दिखाई तो कहना मैं एस एच पी साहब भी मेरे नाल लाई चलते वजह मेरे कहते तू आया कि लाने से कौन है तेन कहने बुलाया अं बुलाया कहते मैं क्या मैंने तो दुकानदार ने बुलाया भाजी तुम थोड़ा बुलाओगे मैंने पुलिस क्यों आई है कारण की है कारण यह कहते कोई मोटरसाइकिल चोरी का आया जे कोई मोटरसाइकिल चोरी का आया मैं कहना एक आए दो आए पाँ आए सौ आए पांच सौ आया मोटरसाइकिल पर वो गल करता तरीका कोई ढंग तो होना चाहिए जो कोई मोहतर बंदा आता तो गल करता उन्हें गल तो सही ढंग करो उन्होंने सही डील तो करो ये थोड़ा तुम हस चकन लग जाओगे मैं इन्होंने क्या गल सुनो मैं क्या मैं डिप्टी मेयर हाँ यार तो मैंने कहता होएगा बहर हो इतों कहता मैं क्या गल सुन ला यार तू मेरे ना करी जाना मेरे से हाथ चक लिया जे कोई माड़ा बंदा तेरे अगे लग जाए तो तू गोली मार देगा सत श्री अकाल भाई मैं कहता तू गोली मारेगा कहता मेरी पहुँच बहुत तिकर गांह तिकर मैं सीधा लग गया कहता डायरेक्ट कहता मैंने कोई पिछे नहीं कर सकता। जब इस मामले ते थप्पड़ मारन वाले सब इंस्पैक्टर कुलदीप सिंह नाल गल की गई तो उन्होंने की तर्क सी वह भी तुम जरा सुन लो। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਬਾੜੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ 379-411 ਚ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਮੈਟਰ ਚ। ਸਰ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਤੋਂ ਕਿ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੇ ਤੱਕ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੈਬ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਜੀ ਸਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਰੇਅਰ ਜਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੀਸੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼।